हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप ज्योति। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है संडे और अभी मैं हूँ गाड़ी में और मैं जा रहा हूँ गाज़ियाबाद ज्योतिका के ऑफिस, क्योंकि ज्योतिका की जो है सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी नहीं होती है। तो अब मैं जा रहा हूँ उसको लेने और एक सरप्राइज़ रहेगा ये उसके लिए। उसको मैंने बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को बीच में उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं बताऊँगा तो हो सकता है वो वहाँ से निकल जाए और पता लगा मेरा ही सरप्राइज़ बन गया। तो मैं उसको बीच रास्ते में बता दूंगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ, ताकि वो भी थोड़ा वेट कर ले मेरा। और बाकी देखो गाड़ी बहुत गंदी है ना, तो गाड़ी को भी पूरा साफ़ करूँगा अभी बाहर कहीं खड़ी करके, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है गाड़ी। संडे है तो मैं भी संडे के दिन अपनी गाड़ी निकालता हूँ, तो मैं इसलिए अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ और गाड़ी निकाल के जा रहा हूँ उसको लेने। कहीं कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर घर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं। तो भाई मैडम तो आ गई है, लेकिन यार यहाँ तो बड़ा जाम था यार, मैं तो फंस गया जाम में। गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं थी यहाँ पे, बस वो मॉल की वजह से जाम है वैसे भी। हाँ, बाकी देखो रोड तो क्लियर है, शिप्रा मॉल की वजह से जाम था सारा, बहुत ज्यादा ही जाम था है ना। थोड़ा यहाँ पे वो भी नहीं ना, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, कुछ नहीं। नहीं लोग आए, नमस्ते नमस्ते कर लो। हेलो नमस्ते, आगे आगे से लू ना बार बार? हाँ इधर से लो बार बार। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं आगे ना। ये अभी आए हैं पीके के और भुवनेश के फ्लैट पे, और अभी देखो क्या मस्त हवा चल रही है यार बाहर, और क्या नज़ारा है, बहुत बढ़िया नज़ारा है। और नीचे चल रहा है स्विमिंग पूल, बहुत शानदार। स्टार्टिंग में देखने के लिए आए, अभी इन्हें लेंगे साथ में यहाँ से और फिर चलेंगे कहीं घूमने। तो हैंड ओवर अब मुझे मिल गया और अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। हाँ मुँह कैसा लग रहा है मेरा, काला काला? तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से और जबरदस्त ट्रैफिक हो रखा है एज यूजुअल, जब भी हम कहीं निकलते हैं। राजनगर में ना बहुत ट्रैफिक हो गया, कंजेस्टेड हो गया ना एरिया, कंजेस्टेड हो गया, काफी ज्यादा रेजिडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। हां अंडरग्राउंड होना चाहिए, ज्यादा कंजेस्टेड हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कितनी भीड़ 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 करके चल रहे हैं। तो अभी हम निकल गए हैं, डिसाइडेड है नहीं कुछ भी कि कहाँ जा रहे हैं, क्या खाने जा रहे हैं, क्या पीने जा रहे हैं। बोतल लेके कबाड़न सी लग रही एकदम। तो क्या खा रहे हो आप? खा रहे हैं चिकन लॉलीपॉप, जो कि मिल गई है, बट मेरा मन था चिल्ली चिकन खाने का। या फिर चिकन लॉलीपॉप तो खा चुके हैं भाई, अब हम ना कहीं और सर्च कर लेफ्ट राइट, पहले राइट चलते हैं फिर लेफ्ट में आ जाएंगे। तुम डिसाइड करो लेफ्ट चलना है या राइट चलना है। वो बेल पत्तर का जूस पिला यार तू पहले मेरे को, अभी पिलाएंगे उधर से आते, वो पिलाएंगे पहले, देखते हैं क्या है। तुमने इसको खुदा दिया अपने जगह पे बैठे बैठे। अच्छा मैं कह रही हूँ इन्होंने इतनी तेज बोला था एकदम से ऐसे कूदी, क्या बोल रहे हैं? बेल पत्तर चाहिए ना, तो बेल पत्तर। अभी हम है गोविंदपुरम जाते दीपक भैया जूस वाले, बहुत हल्का ना, बहुत बढ़िया, जा जान तो लगती है, कल डाल दियो भाई यार, मैं जिम कर रहा हूँ, एनर्जी नहीं बची है। लेकिन तेरा नहीं कमी है ना, ज्यादा नहीं, तेरा साइड बिजनेस खुलवा दूँ ये? हाँ ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये सीजन वाइज पहले मैं, चलो लेडीज फर्स्ट, मैं सोच रही थी इनके लिए कोई साइड बिजनेस करवा दूँ दोनों के लिए, जीजा सालाओं के लिए। ये देखो तो ये सही करवा दूंगी मैं इनका, अरे नहीं ऐसे चलाते, एक ठेला खरीद लेंगे ठीक है। अरे ऐसे नहीं चलाते, अरे ऐसे नहीं चलाते भाई, ये ऐसे चलाते कभी, अरे आराम से भाई मशीन ओए तू कहते ही ठेला ही हटाएगा क्या यार? ये देखो कितने प्यार से चला रहे, उसके हाथ में भी लग गया। तो ठीक है मैंने फाइनल कर लिया है, सुनो एक ठेला खरीदते हैं और एक दो खरीदते हैं, एक आपके लिए एक पीके के लिए। ऑफिस तुम्हारे खेत में है, कार्यकर्ता ये रहेंगे, मैं रहूंगा मैनेजर पैसा। अच्छा मैं तो ये सोच रही थी 7 बजे तो ये घर बेलपत्तर तुम्हारे खेत में है, 7 बेलपत्तर खेत में है, 7 बजे ये घर कट गया यार, ऐसे वो पेड़ 7 बजे ये घर आई जाते हैं, 8 से 12 की शिफ्ट कर लेना रात को ठीक है, 7 बजे डन है भाई।
चिकन खाने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे गौर मॉल, क्योंकि मुझे खाने थे 6 पानी वाले गोलगप्पे। बहुत स्वादिष्ट होता है वो 6 तरीके वाला गोलगप्पा। पीके तो निकल गया ना, और ये भुवनेश हमको टाटा बाय बाय बोलने के लिए खड़ा हुआ है। बाय, जाओ सो जाओ, ऐसे रेस्ट करो। तो भाई अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, निकल रहे हैं मतलब, है ना बाबू? अब हम लोग निकल रहे हैं। बढ़िया, मजा आ गया, बहुत सारी चीजें खा ली हमने, पेट हो गया फुल। पेट भर गया आपका? यस। ओके ठीक, चलो यूटर्न लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात में ना काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। रात में हमने बताया नहीं, तो आते ही सो गए थे, काफ़ी लेट हो गए थे। तो अभी जो आया हूँ, मैं आया हूँ जस्ट मार्केट से। एक्चुअली जो मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, जो मैं आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में, उसका मुझे फ्रेम लेना था ताकि मैं उसको लगा सकूँ। तो मैं फ्रेम लेने गया था, तो मैं 2-3 फ्रेम लेके आया हूँ, लेकिन एग्जैक्ट साइज़ मुझे मिला नहीं फ्रेम का। तो अब मैं थोड़ा एक छोटा और एक बड़ा लेके आया हूँ, देखता हूँ जिसमें वो एग्जैक्ट बैठ जाए। उस फ्रेम को अभी तैयार करता हूँ और उसको दीवार पे लगाता हूँ सामने, और लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी बनी है ड्राइंग लगाने के बाद। तो चलो मिलते हैं अभी। तो फाइनली मैंने फ्रेम लगा लिया है, और फ्रेम लगा के मैंने फ़ोटो लगा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोटो, और बताना ज़रूर कैसी बनी है, ठीक है? देख रहे होगा पीछे लगी हुई है, दिखाता हूँ ना, बताना कैसी बनी है, ज़रूर कमेंट करना। Days, you never wait for me, you never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see, you're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench. फोटो मैंने लगा दी और दिखा भी दिए कैसी बनी है ना, कमेंट कर देना। और एक और बात, जब भी मैं इंस्टा पे डालता था तो कई सारे क्वेश्चंस आते थे कि आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं इसके अंदर, है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक ना आर्ट का चैनल भी चलाया है दीप रियल आर्ट के नाम से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, अगर कोई भी बिगनर है या कोई कोशिश करना चाहता है कुछ बनाने की, कुछ अच्छा सीखने की, तो वहाँ से थोड़ा बहुत जो भी मैं पेंसिल्स यूज़ करता हूँ, रबर्स यूज़ करता हूँ, कुछ भी यूज़ करता हूँ, मैं वहाँ डाल दूंगा। तो आप वहाँ जाके उसको फॉलो करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और वहाँ पर अभी हालांकि मैंने सिर्फ एक ही वीडियो अभी तक अपलोड किया पेंसिल्स के बारे में, बाकी भी वीडियो टाइम टू टाइम वहाँ पर अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा ज़रूर, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I could wait a thousand